भारत में आधुनिक युग होने के बावजूद भी कभी कभी नवविवाहितों को अंधविश्वास के चक्कर में दहेज की बाल वेदी पर चढ़ा दिया जाता है। एरच निवासी धन सिंह की पुत्री वर्षा का विवाह विलहरी नौगांव मध्य प्रदेश निवासी जितेंद्र पुत्र गुरुप्रसाद से 2 दिसंबर 2022 को हुआ था। उसके बाद ससुराल पक्ष वालों ने तांत्रिक के चक्कर में पड़कर उसके साथ यातनाएं देना शुरू कर दिया, जिस कारण वर्षा की हालत बिगड़ गई और 2 जनवरी 2023 को उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मात्र 18 दिन की सुहागन के साथ यातनाएं देकर उसको दहेज की बाल वेदी पर चढ़ा दिया गया। धन सिंह और उसकी पत्नी रजनी लगातार प्रशासन से न्याय की गुहार करती रही, लेकिन आज तक लगभग 1.5 साल बाद भी वर्षा की आत्मा को न्याय नहीं मिल सका। आखिर धन सिंह और वर्षा की मां रजनी न्याय के लिए कहां जाए, किसका दरवाजा खटखटाए? दहेज के ऐसे लोभी आखिर समाज के लिए क्या है, इसका जवाब तो आपको स्वयं दे सकते हैं। फिर कानून इतना लचीला क्यों है कि अपराधी खुलेआम स्वतंत्र घूमते रहते हैं? काय के पीछे तुमने क्या कर रही थी? मुँह से बताओ क्या कर। जवाब नहीं दिया। तुमने जवाब नहीं दिया। हाँ। सास ने और नंदन ने डंडा मारो तो तुम्हारी। हाँ। कितने? इतने। इतने। हाँ। अच्छा। फिर तो मामूल पर आन लाओ। हाँ, उसी से बोल नहीं पा रहा। जैसे नहीं बोल पा। हाँ। और कौन ने मारा तो? नंदन ने, सास ने। काय को डंडा तो? जाने। बांस को। बांस को। मात्र 18 दिन इस लड़की की शादी, इसने अपना सुहाग का सिंदूर भरा अपनी मांग में। ऐसा परिवार जो न्याय के लिए हमेशा गुहार लगाता रहा है, 1 साल तक उसकी लड़की की मृत्यु के बावजूद भी। और हम जानना चाहेंगे इनसे कि आखिर हुआ क्या बात थी। आपका नाम? क्या? रजनी। और आपका? धन सिंह। क्या हुआ था, ये जो आपकी लड़की खत्म हो गई है, क्या वाक्य हुआ था? शादी की, अच्छी से बढ़िया में लोगों को विदा किया, लुभा ले गए, और हमारी लड़की की पता नहीं हालात में बढ़ गया। देन सब दिया, सब कुछ दे दिया। देने के बाद बता भाई, अपनी लुभा ले गए, ले गए, फिर जी हालात करके छोड़ गए। और नहीं, नहीं क्यों 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 किया उन्हें ये हालात? मांग और मांग रहे थे, जांच कर रहे थे हम। हाँ। लोग कहाँ से दिया थे इतने खतों हमने दो हम लोग? और फिर हुआ क्या था वहाँ पे? वहाँ पे उसको ले गए, कुछ किया होगा, एनर्जी भी जला दी, कुछ करी, उसकी मारपीट की। कितने दिन हो गए? 18 दिन। 18 दिन ही वहाँ रही? 18 दिन ही वहाँ रही। वहाँ से फिर पटक गए यहाँ पे हम लोगों ने इलाज। जब हालत खराब हो गई तो हमारे तो पटक गए। इसकी आपने रिपोर्ट की? रिपोर्ट करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ भाई साहब। मुकदमा कायम हो गया? लेकिन मुकदमा कायम हुआ आपका पुलिस में? मुकदमा कायम हुआ? मुकदमा कहीं पता ही नहीं पड़ रहा क्या कहा, कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक न्याय नहीं मिला आपको? अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप कानून व्यवस्था से? चाहते हैं अपने घर न्याय दिलाओ, बस हम लोग का है। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। यही आपकी आखिरी इच्छा है? हाँ, बस। यानी कि उत्तर प्रदेश, योगी जी के सपनों का प्रदेश, जो चाहते हैं कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चुस्त दुरुस्त रहे, उनका प्रदेश उत्तर प्रदेश। आज ऐसे उत्तर प्रदेश में एक परिवार ऐसा है जो दर दर की ठोकरें खा रहा है न्याय पाने के लिए। उसकी पुत्री का एक तरीके से हत्या कर दी गई, हत्या ही मान सकते हैं जगह को, क्योंकि मात्र 18 दिन अपनी मांग में सुहाग का सिंदूर भरने वाली लड़की, मात्र 18 दिन सुहाग का जिसने अपने मांग में सिंदूर भरा हो, ऐसे दहेज के लोभियों ने उसको शमशान में ले जाकर काल्पनिक तांत्रिक क्रिया कराई, उसका उसकी जीभ भी जला दी गई और इतना उत्पीड़न किया गया मारपीट के साथ कि उसको अपनी जान, उसके इलाज के दौरान उसकी जान गंवानी पड़ी। और ऐसा परिवार आज भी कानून से अपनी न्याय मांगने के लिए दर दर अपनी सिर पटक रहा है। वर्षा नाम की लड़की का विवाह जितेंद्र कुमार पुत्र पुत्र गुरुप्रसाद निवासी नौगांव
जिनके साथ नौका इसका विवाह किया गया था, मात्र 18 दिन ही सुहागन रह पाई। 18 दिन के बाद किसी तरह से उत्पीड़न होने के बाद, उसकी मारपीट करने के बाद दहेज के लोभियों ने उसको यहाँ मायके फेंक दिया है। उसके बाद उसका इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद एफआईआर भी हुई, दहेज प्रथा का लागू भी हुआ है। यहाँ तक कि जो मनसा होती है, हत्या की जो मनसा होती है, वो भी उसमें दर्ज की गई, लेकिन किसी तरीके का न्याय आज तक एक साल के बावजूद भी इस परिवार को नहीं मिल पाया। मैं यही जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसे कानून व्यवस्था क्या होगी, जबकि वो योगी जी चाहते हैं, लेकिन नीचे प्रशासनिक व्यवस्था इस तरीके से गड़बड़ा गई है योगी जी की। इस पर सवाल तो ये उठेंगे और उठ भी रहे हैं कि किस तरीके से नीचे व्यवस्थाएँ गड़बड़ा रही हैं, और इसी का मुख्य कारण रहा है कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास इस कानून व्यवस्था से उठा है। मैं धर्मेंद्र खरे, TTN न्यूज़ झांसी।